अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी फरफर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश के ये 200 फिकरात को सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये फिकरात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल से मुतल्लिक हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे लव इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग। उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। शी फेल इन लव एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट यानी कि पहली साइट कहते हैं नज़र को। मोहब्बत तमाम जख्मों को भर सकती है। लव कैन हील ऑल वाउंड्स। वाउंड्स का मतलब होता है जख्म, हील का मतलब होता है भरना। सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। ट्रू लव नेवर फेड्स। मुझे आपके साथ वक्त गुजारना पसंद है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। स्पेंड का मतलब होता है गुजारना। वो बारिश के दिनों में किताबें पढ़ना पसंद करती है। She loves reading books on rainy days. वो बरसों से मोहब्बत में हैं। They have been in love for years. मोहब्बत जिंदगी को जीने के काबिल बनाती है। Love makes life worth living. गुस्सा अफसोस का बायस बन सकता है। Anger can lead to regret. सेहत एक तोहफा है। हेल्थ इज़ अ गिफ्ट। क्या आप बर्तन धोने में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी वॉश द डिशेस? क्या आप बिस्तर की चादरें बदल सकते हैं? कैन यू चेंज द बेड शीट्स? पानी को बहता मत छोड़ें। Don't leave the water running. क्या आप कपड़े इस्त्री कर सकते हैं? Can you iron the clothes? क्या आप छत के पंखे साफ कर सकते हैं? Can you clean the ceiling fans? मुझे सालन का मसालादार जायका पसंद है। I love the spicy flavor of curry. यहाँ पर करी का मतलब है सालन। सालन में नमक की ज़्यादा ज़रूरत है। The curry needs more salt. हर रोज़ काफ़ी मकदार में पानी पिएं। Drink plenty of water every day. उसने चूल्हे पर रात का खाना पकाया। She cooked dinner on the stove. स्टोव कहते हैं चूल्हे को। चूल्हे को साफ करने की ज़रूरत है। द स्टोव नीड्स टू बी क्लीन्ड। उसने चूल्हे पर पानी उबाला। ही बॉइल्ड वाटर ऑन द स्टोव। आग जंगल में तेजी से फैल गई। द फायर स्प्रेड रैपिडली थ्रू द फॉरेस्ट। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। वह हर शाम सोने से पहले गुसल करती है। यहाँ पर गुसल का मतलब आप नहाना भी ले सकते हैं। शी टेक्स अ बाथ एवरी इवनिंग बिफोर बेड। आरामदा गुसल तनाव यानी टेंशन को, स्ट्रेस को दूर करने में मदद कर सकता है। A relaxing bath can help relieve stress. Relieve का मतलब होता है दूर करना। Stress कहते हैं दबाव को, ज़हनी दबाव को, टेंशन को। So I hope दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। आप इस चैनल को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम
और टेलीग्राम के तहत शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।